तो 50 क्वेश्चन हो गए ना आपके। अब क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 58 तक सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे, पर एक क्वेश्चन का बेस बता रहा हूँ पहले आपको, वरना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 51 से 58 तक ऑप्शन से ना हो, ठीक है। पर फिर भी एक बार देख लो एक झलक, या करा दें ऑप्शन से ही, हाँ एक देख लो तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, ठीक है। तो 51 पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर, देखो छोटी से छोटी कह रहा है तो लैसे वाला क्वेश्चन है, और जिससे विभाजित होने को कहता वहाँ उसका एलसीएम लिया जाता है, इतनी बात तो आपको पहले से समझ में है। तो इसमें जो है एक तो एलसीएम लिया जाएगा, और किस किस का लिया जाएगा, 5, 6, 7, 8 का। तो पहले इतना ही वर्क कर लो आप, पहले इतना ही कर लो, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लो, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम, हाँ तो करें फैक्टर कर लो। तो 5 तो कैंसिल होगा नहीं, 2 से 6 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, 7, और 2 से 8 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। अब देखो यहाँ एक भी संख्या ऐसी नहीं जो आपस में उनके गुणनखंड हो, 5, 5 से होगा, 3, 3 से होगा, 7, 7 से होगा, 4, 4 से होगा, एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में उनके गुणनखंड हो। तो अब कैंसिल मत करो, हाँ ये बात अगर समझ में आ रही हो तो ठीक है, वरना तो फिर आगे को बढ़ाएं। कोई भी बात अगर फुल्ली समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना तो फिर उसका बेस पढ़ना चाहिए। इसे मैं यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 5, 5 से कटेगा, यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 3, 3 से कटेगा, 7, 7 से कटेगा, और 4, 4 से कटेगा, मतलब 4 को आप 2 से भी काट सकते हो 2 बार, पर 2, 2 इनमें कोई समय नहीं है, है नहीं ना कोई समय भी, तो बस यहाँ से ऐसे यूँ गुणा कर दो, ठीक है। तो करो तो 2 पंजे 10 तिया, और 30 के साथ में गुणा करोगे तो 7 तिया 21, 210, और 210 में 4 की गुणा कर दो, मतलब 21 में 4 की कर दो, 21 चौक, और 0 लगा दो, हाँ 0 लगा दो आप, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 840। अब इसके साथ तुम्हें एक चर राशि लेनी पड़ेगी, और जितना शेष बचने को कह रहा उतना जोड़ दो, कितना शेष बचने को कह रहा था, 3 बचने को कह रहा था, तो वो हमने जोड़ दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ो, किसी से विभाजित होने की बात कर रहा है, लेकिन वह 9 से विभाज्य भी है। अब 9 से इसको डिवाइड करो, 9 से क्या करो आप इसको, और यहां से हमें ना x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें तो बहुत ही अजीब लगेगा ये क्वेश्चन, पर मैं इसे अभी ऑप्शन से कराऊंगा तो कुछ भी नहीं है, बस एक क्वेश्चन का आपको बेस बता रहा हूं। तो पहले 84 के लिए 9 बार चलेगा, तो 9 निम तो 4 में से गया 3 तो 0, 9 तिया 27 तो कितना बचा, 3, और x को भी ले लो +3, ठीक है। अच्छा ये संख्या कितने से विभाजित थी, 9 से, तो यहाँ x की ऐसी वैल्यू रखो जो ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से x का मान निकालना होता है, अगर हम 1 रखेंगे तो 3 ही कम, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा ही तो होता है, तो 3 ही कम 3 और 3 6, तो 6 तो 9 से विभाजित नहीं होगा, तो x की जगह 2 रख के देख लो। तो हमने यहाँ 2 रखा, तो 2 तिया 6 और 3 ना पता 9, 6 और 3 9, तो 9 तो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो x का मान 2 है। x का मान कितना है, उसको यहाँ रखना होता है, ये सारा उठाना होता है, ये सारा, ठीक है, वो संख्या आती है। तो रखो x की जगह 2, तो गुणा कर लेंगे, 840 गुणा 2 और प्लस के 3, प्लस के कितना हो जाएगा, तो 2 0 0 2 4 8 और 2 8 16 प्लस के 3, ठीक है, तो 16 83 16 83, ठीक है, आंसर चेक कर लो है ऑप्शन। तो ये तो इसका बेस हो गया, अब इसका शॉर्टकट क्या है, वो कितने से विभाजित होने को कह रहा है, तो जो ऑप्शन 9 से कटे वही आंसर। अब चेक करो अपने ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोलो 14 63, दूसरा बोलो 15 73, तीसरा बोलो 16 83, चौथा बोलो 17 93, ठीक है। अब देखो 9 से कटने की पहचान क्या होती है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटे तो वह संख्या 9 से कटती है, तो 1 और 4 5 और 6 11 और 3 14, तो ये तो 9 से कटेगा ना, तो ये तो आंसर होना नहीं है, बात समझ में आई आपको, 1 और 5 6 6 और 7 13 और 3 16 भी 9 से नहीं कटना, तो ये भी आंसर नहीं होना, 1 और 7 8 8 और 9 17 17 और 3 20 भी 9 से नहीं कटना, ये भी आंसर नहीं होना, हाँ। अब यहाँ जाओ 1 और 6 7 और 8 15 और 3, बताओ 18 कटता 9 से या नहीं, अच्छा तुम क्या हो, अजी अगर 1 से ज़्यादा कटते 9 से फिर क्या करते, तो उसमें लिख रहा छोटी से छोटी, तो अगर 1 से ज़्यादा ऑप्शन 9 से कैंसिल होता तो फिर जो उनमें छोटा, हाँ
और अगर ये भी सरदर्द करे तुम्हारे, तो इसने ये कहा है इनसे भाग करने पर कितना शेष बचेगा, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष। हालांकि यहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो एक ही ऑप्शन 9 से कटेगा, अगर बाई चांस गलती से गुस्से में है एग्जामिनर 2 ऑप्शन लगा सकता है 9 से विभाजित होने वाले। तो उसने कहा शुरू में कहा निम्न में से वह छोटी से छोटी, निम्न का मतलब जो ऑप्शन में है उनमें से छोटी वाली आंसर होगा। बताओ अब भी कोई दिक्कत है, मिटान दो तो ऊपर वाले को भाई। अगर इससे करना है तो इससे तो वो बच्चा करेगा जिसको बहस करनी हो, है ना, और जिसको नौकरी लेनी है वो चुपचाप टीचर की बात मानेगा और अपना आगे बढ़ेगा। तो सीधी सी बात, नु कह रहा 9 से विभाजित होना चाहिए, तो जो ऑप्शन 9 से विभाजित वो आंसर। तो बताओ इसमें क्या नुकसान है, मिटान दो। चर राशि लेनी पड़ती है बेटा, एक चर राशि लेनी पड़ती है, ठीक है, ये तो इसका बेस है। तो बेस में देखो क्वेश्चन इतना बड़ा जाएगा, और बस इसे मैं डस्टर अभी घुमाता हूँ, फिर एक्सपेक्ट सब खत्म है। ऑप्शन से करो, तुम्हें कोई डाउट हो कि ऑप्शन से अजी ऐसे हो जाए वैसे हो जाओ तो बूझो, कि हमें कैसे पता चलेगा कैसे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बूझ लो, मैं बता दूंगा उसका समाधान, ठीक है। चलो तो सारा ही खत्म कर दिया। अब तुम एक काम करो, 52वें क्वेश्चन को पढ़ो देखो ऐसे ही। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष देते, लेकिन जब वह संख्या 7 से विभाजित होती है तो शेषफल शून्य आता है। जब शेषफल शून्य आता है तो विभाजित होती है संख्या पूर्णतः, तो जो ऑप्शन 7 से विभाजित होगा वो आंसर कौन सा आंसर होगा जो 7 से विभाजित, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। चेक करो फोर्थ आंसर 18004, ऐसे करो भाग 7 दुनी बचे 4 हो गए 40, 7 5 35 बचे 5 हो गए 50, 7 7 49 बचा 1 हो गए 14, 7 दुनी नारा समझ कैसे 53। 13 का वह सबसे छोटा गुणज, अब देखो ध्यान से सुनो, गुणज पता कौन होते हैं, जैसे 13 का गुणज क्या रहा, तो 13 का पहाड़ा पढ़ लो, 13 कम 13 भी 13 का गुणज है, 13 दुनी 26 भी 13 3 तो बताओ अब मैं 3 ही पढ़े हैं, क्या ये तीनों संख्या 13 से डिवाइड होंगी पूर्णतः या नहीं, तो गुणज पूर्णतः डिवाइड होता है। तो ये कह रहा 13 का सबसे छोटा गुणज, जब 13 का गुणज कह रहा है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि जो संख्या 13 से विभाजित हो तो जो ऑप्शन 13 से विभाजित होगा वो आंसर, ठीक है। बस तो दूसरा होगा 37 83 चेक कर सकते हो, चले 54 पा जो 13 का सबसे छोटा गुणज, बस जो 13 से विभाजित हो वही आंसर है भाई। जो काम हमारा एकदम देखने से हो रहा हो तो उसे हम क्यों करें बेकार में, कहानी खत्म। इससे आगे आ जाओ, वह सबसे छोटी संख्या 55 जो 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष शून्य शेष आता है, वो 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है, हाँ 13 से भाग देने पर कितना शेष आता है, तो जिस ऑप्शन को 13 से भाग करने पर 7 शेष आएगा वो आंसर, हाँ वो क्या होगा। अरे जी ना पीछे से दूसरा, 72 को भाग करो, अरे 72 को 13 से भाग करो, 13 5 65 65 बचा तो आगे 7 ही तो बचे 72 के लिए, तो इसमें 7 शेष बचना चाहिए, आ रहा समझ। चलो 56, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, गुणज कह दिया तो मतलब 31 से जो विभाजित होगा वो आंसर होगा। अब जो ऑप्शन 31 से विभाजित होगा वो आंसर, बस बात समझ में आ गई, वो तुम देख लेना 31 का अभाज्य संख्या पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा 57 पे आ जाओ, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 7, 10 और 13 शेष बचे, हाँ तो 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज, गुणज मतलब 23 से विभाजित, तो जो ऑप्शन 23 से विभाजित होगा वो आंसर, हाँ चले इससे आगे 58, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं, निश्चित का मतलब कोई संख्या उसे पता होगी कितने बक्से हैं, अगर निश्चित बोल दिया है तो उसे पता है कितने बक्से हैं, ठीक है, जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है, मतलब हर पार्सल में 3-3 रखता है या 4-4 रखता है या 5-5 रखता है या 6-6 रखता है, तो उसके पास एक बच जाता है, एक शेष बच जाता है। वो कह रहा है यदि प्रत्येक में 7 रखता तो उसके पास कुछ भी शेष ना बचता, तो इसका मतलब जब कुछ भी शेष ना बचता तो उससे संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये इनडायरेक्टली नू कह रहा मोटरसाइकिल ना देने का हूँ, है ना, वैसी बहाने बना रहा, मैं भी जाऊँगा गढ़ को, पापा जाएंगे, मम्मी जाएगी, वैसी बना रहा है ना। तो ये सीधा सीधा यूँ ना कह रहा 7 से विभाजित या 7 का गुणज, है ना, नू कह रहा कि अगर 7-7 रख दी तो शेष कुछ ना बचने का, इसका मतलब जो ऑप्शन 7 से विभाजित होगा वो आंसर, बात समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ 59 पे,
अब ये जो 59वां क्वेश्चन है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी हो तो कक्षा 10 का क्वेश्चन है, कक्षा 10 का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो क्यूब में पूछता है, एक स्क्वायर में पूछता है। अगर क्यूब में पूछता तो क्यूब आंसर आता है, स्क्वायर में पूछता तो स्क्वायर आंसर आता है। पर अगर कक्षा 10 में ऐसा कर दिया तो नंबर ही ना देने के मास्टर जी, है ना, सोल्व करके दिखाना पड़ता ना वहाँ तो। पर यहाँ तो चलता है ना, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन टिक करना, पर तुम्हें हम सोल्व करके दिखाते हैं देखो इस क्वेश्चन को, 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या है, दो संख्या पी तथा क्यू, संख्या कौन कौन है, पी और क्यू, का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ए तथा बी है। तो मै से कितना है ए, और ल से कितना है बी है, किस किस का, पी और क्यू का, पी और का मै से तो ए है और ल से कितना है बी है। बात समझ में आ रही है इतनी। उससे आगे क्या बोला गया है, यदि ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू हो, ये कंडीशन आपको दी है उसने, ए प्लस बी बराबर कितना है पी प्लस क्यू, ये आपको दिया है उसने, आपको काम आएगा, इसको रख लो बॉक्स में, ठीक। अब देखो अगर ये स्क्वायर में मान बूझे तो इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, और अगर क्यूब में मान बूझे तो दोनों तरफ का क्यूब कर देते हैं, और बिल्कुल शॉर्टकट ये है, अगर स्क्वायर में मान बूझे तो इसका स्क्वायर आंसर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और अगर क्यूब में बूझे तो क्यूब में आंसर। अब वो सोल्व करके दिखा देते हैं ऐसा होता क्यों है। अब आप देखो बूझ क्या रहा है आपसे, तो ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का मान पूछ रहा है, ए का क्यूब प्लस, अच्छा एक बात बताओ लैसे गुणा मैसे बराबर क्या होता है, क्या होता है, रखना पड़ेगा डंडा, ऐसे काम नहीं चलने। अरे लैसे गुणा मैसे बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा होता है या नहीं होता है, और लैसे मैसे तुम्हारे पास है, लैसे कितना है, लैसे लैसे बी है और मैसे कितना है, तो ए गुणा बी बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और संख्या उसने पी और क्यू दी है, तो कहने का मतलब ए गुणा बी बराबर पी गुणा क्यू है यहाँ हमारे पास, इनडायरेक्टली हमारे पास है, ठीक है। क्या है यहाँ को लिख लेते हैं, ए गुणा बी बराबर पी गुणा क्यू, पी गुणा मतलब मैसे गुणा लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, होता है या नहीं होता है, होता है। अच्छा अब देखो ये देता है ये आपको, अगर ये तुमसे वर्ग में पूछे तो दोनों तरफ का वर्ग कर दो, और क्यूब में पूछे तो दोनों तरफ का क्यूब कर दो, तो क्यूब में पूछ रहा है तो दोनों तरफ का आप क्यूब करेंगे, दोनों तरफ का क्या करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, बराबर p प्लस क्यू का होल क्यूब, ठीक है। अब इनके होल क्यूब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना, अब जिसको नौकरी लेनी है उसको याद होगा। अब देख लेना अपना, तुम्हें ज़्यादा पता अपने बारे में, a का क्यूब b का क्यूब प्लस के 3 और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, बराबर पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस के 3 पी क्यू और ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, ठीक है बात। अब देखो अब ये तुम पे डिपेंड है, या तो ए बी का मान रख लो या पी क्यू का मान रख लो, तुम्हारी मर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कौन से का रखना बताओ, किसका रखूँ, ए बी का रखूँ या पी क्यू का, रखना एक का है, या तो इधर या उधर, ए बी का रख लो। तो ए गुणा बी बराबर क्या है, पी गुणा, अब तुमने अगर यहाँ ए बी का रखा तो अब यहाँ भी ए बी का रखना पड़ेगा, कभी यूँ कहो जी अब पी क्यू का रख लो कभी बुरा मान जाए, जिसका एक बार रख दिया अब उसका रखना पड़ेगा, दूसरे को ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी बराबर है पी क्यू, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी बराबर क्या है पी क्यू, हाँ पी और ब्रैकेट में देखो ये रहा, सही से देखो आंखों से, ए प्लस बी बराबर क्या है पी प्लस क्यू, ठीक है। इधर अब कुछ नहीं करना, हाँ अगर सब जगह एकदम कर दोगे तो दंगे हो जाते हैं, समझ गए, हाँ ये देखो ये कैसे एक से कैसे हैं, या तो इसे उठा के उधर ले जाओ या उसे उठा के ले जाओ, तो चिन्ह बदल जाएगा ना, और अलग अलग चिन्ह कैंसिल हो जाते हैं, तो ये ख़त्म, ये सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब, तो वो यही बूझ रहा था, तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब कक्षा 10 में जब इस क्वेश्चन को कराते हैं तो कई दिन कराना पड़ता है, ये समझ में नहीं आता बच्चों के, ऐसा कुछ है थोड़ी इसमें, अब तुम्हें करना भी नहीं है, पेपर में आएगा जब ऐसा वाला क्वेश्चन, क्यूब में पूछे तो क्यूब में आंसर, स्क्वायर में पूछे तो स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि 2ab और 2pq आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, हालांकि इसने क्यूब में दिया है, जब क्यूब में दिया तो ये स्क्वायर में भी दे सकता है, क्या क्या विश्वास थोड़ी है कुछ, जब क्यूब में दे सकता है तो स्क्वायर में भी, तो बस स्क्वायर टिक कर देना, ठीक है। चलो 60 पे आ जाओ,
साठवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है, अब देखो ध्यान से सुनो, पूरे मैथ के लिए बताते हैं, हमारे ज़्यादातर जो पॉइंट होंगे वो पूरे मैथ के लिए होंगे। जब भी क्वेश्चन में गुणा है, गुणा दुगना तिगना तिहाई चौथाई है, या परसेंटेज में अधिक आए, परसेंटेज में क्या है, तो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो या किसी भी किताब का या किसी भी देश की किताब हो, पाकिस्तान की हो, भारत की हो, कहीं की भी हो, हाँ, तो वो क्वेश्चन अनुपात से होता है। किससे होता है? कोई भी चैप्टर हो, अनुपात से। तो इसमें परसेंटेज में अधिक कह रहा है ना, अब ये क्वेश्चन अनुपात से बनेगा। किससे बनेगा? अनुपात से। आ जाओ, तो पहले अनुपात ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे पहले? क्वेश्चन नंबर है आपका 60। अब जिसमें परसेंटेज का रिलेशन दे रखा है, पहले उस वाले सेंटेंस को उठाओ। इसने ये कहा है, यदि एक संख्या, एक का मतलब है पहली, एक का मतलब दूसरी से, किससे? दूसरी से कितने परसेंट अधिक है? 50%। तो जिससे कम या अधिक होता उसको मानते हैं, उसको मानना पड़ता है। जिससे कम होने को कहे, जिससे अधिक होने को कहे, जिसका गुना होने को कहे, उसको मानना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? अब मानते क्या है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए। तो दूसरी से अधिक है तो दूसरी को 100 मान लो, दूसरी को कितना मान लो, और ये इससे 50% अधिक है, तो इसका 50% निकाल के इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा। और 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है। हाँ, विश्वास ना हो तो देखो अपनी आंखों से तुम। अब 100 का कामाने गुना 50% हटाने के लिए बटे में 100, अब देखो खत्म, तो 50 ही आया ना। तो ये संख्या इससे 50% अधिक है, तो इसका 50% 50 इसमें जोड़ो तो ये आ जाएगा 150। अच्छा, अनुपात लगाने के बाद ये चेक करते हैं कि वो कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो कितने से कैंसिल हो रहे हैं? 50 से, 50 तिया और 50 दूनी, अब तो कैंसिल नहीं हो रहे। तो हमारे पास पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो दोबारे से, जब देखते हैं क्या बात बनेगी। दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम से 20 और 120 है, हाँ, तो उसने तो लैसे मैसे दिया है, और यहाँ तो कहीं जिक्र है नहीं लैसे मैसे का, पर हम लैसे मैसे वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें ये तो जरूर पता कि लैसे गुणा मैसे बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा, तो वो फंडा लगा दो यहाँ, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि रास्ता ये हो सकता था, जैसे ये पहली और दूसरी में रिलेशन है संख्या में, तो हो सकता था वो पहली संख्या दे दे तो हम 3 के बराबर रख देते, हो सकता वो दूसरी संख्या दे दे हम 2 के बराबर रख सकते, हो सकता वो उनका योग दे दे तो हम 5 के बराबर रख देते, अंतर तो 1 के बराबर, समझ गए ना। उन्होंने दिया ही नहीं कुछ भी, हाँ। अभी पहले भी कई बार बताया होगा, जैसे ये तुम्हारे गाँव का रास्ता आयु, इतना सीधा तो किसी के गाँव का ना होता, हाँ, तिरछा करो, हमारा प्लॉट ही सीधा नहीं है ये, ठीक है, हाँ। और यहाँ पेड़ गिर गया आज, पेड़ इसका मतलब ये थोड़े तुम घर को फोन करोगे अपनी मम्मी को, आज तो पेड़ गिर गया, आज ना आने के, नहीं नहर पे खड़े हैं, पेड़ गिर गया, बताओ कैसे आए, हाँ, अरे नहर पे तो गिरा, कहीं को और को निकल जाओ, क्या भाई वापस आके इधर से निकल जाओ, कहीं को भी निकल सकते हो ना। इसका मतलब जब ये इसने ये चीज़ें नहीं दी तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना, अब या वहीं बैठे रहोगे कई दिन तक, सोचना पड़ेगा ना, तो कुछ और सोचो। तो सोच लिया हमने, हमें पता है कि बता रखा हमें कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे होता है, और लैसे मैसे उसने दे रखा है हमें, तो कर दो, हाँ। अरे रात रास्ते पे काटने से बढ़िया तो कुछ रिक्शी ले लो, क्यों भाई, है ना, तो कर दो ना, 3 दुनी, तो ये किसका गुणनफल है, पहली संख्या गुणा, और ये किसके बराबर होता है, लैसे गुणा, तो लैसे बताओ देख के कितना है, मेरे हिसाब से 120 है शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं। बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, एक निकालते हैं, कैसे, जो इधर होता है उससे भाग करते हैं, तो 6 से भाग कर दो, तो 6 ही कम, अरे आ जाएगा 6 दुनी, चलिएगा। अच्छा, एक बात और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है, जब हम गुणा में बराबर रखते हैं तो मूल निकालना पड़ता है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल है तो वर्गमूल। अब ये पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए पूरे मैथ के लिए है, अगर गुणा में बराबर रख रखा है तो वर्गमूल या घनमूल या चौथा मूल या पांचवा मूल, तो ज़्यादा ज़्यादा 3 संख्याओं का देता तो घनमूल निकाल लेते हैं, तो ये तो 2 संख्याओं का गुणनफल है तो वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 और 20 की 20 में गुणा करो तो 400 का वर्गमूल 20, तो 1 बराबर 20 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो वहाँ लिख लें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब जो तुमसे पूछे, क्या पूछ रहा है बताओ, छोटी संख्या ये रही 2, तो दोनों तरफ कितने से गुणा करोगे, 2 से गुणा कर दो आप, तो इधर भी 2 से गुणा और इधर भी 2 से गुणा,
तो 40 है ऑप्शन में, आया समझ तुम्हारे? चलो समझ आ जाना चाहिए। 61 पे आ जाओ। अब देखो 61वां क्वेश्चन तो सिंपल है, पर किताब में पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब करते देखो तुम्हारे सामने 61। उसने ये कहा है a बराबर कितना है, 3/4 तथा 9/16, ठीक है। और आगे कह रहा काम मैस है महत्तम समापवर्तक, तो इनका तो मैस निकालना है, तो निकाल लो ही, फाइनल कर लो पहले आगे को जब देखेंगे। तो अगर भिन्नों में मैस निकालना हो, भिन्नों में क्या निकालना हो, तो ऊपर वाली संख्याओं का मैस और नीचे वालों का लेस है, तो ऊपर का मैस तो 3 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब तुम बताओ अपना हिसाब, मेरा हिसाब तो ये कह रहा है ऊपर वालों का मैस और नीचे वालों का लेस निकालते जब भिन्नों में मैस निकालना हो। तो देखो 3 तो 3 ही लिखा जाएगा, 9 को 3×3 लिखेंगे, तो 3 दोनों में है, तो जो दोनों में होता है वो मैसे होता है। अब नीचे आ जाओ, नीचे वालों का लेस है, तो जो छोटी संख्या उसका पढ़ा जब तक पढ़ो, जब तक बड़ी वाली संख्या उसको कैंसिल ना कर दे। तो 16 कम 16 ही कर रहा है, 16 को 4 कैंसिल कर रहा है। तो आगे समझ में मैसे भिन्नों का। अब बी बराबर बताओ क्या दे रखा, बी बराबर 16/5 और 4/ और इसका कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वालों का लैस है और नीचे वालों का मैस है। तो भाई 16 और 4 का भी तो निकाल गए लैस है, 16 निकाल गए या नहीं निकाल गए, हाँ ये इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम, बटे इनका मैस है। तो 5 को तो 5 ही लिखेंगे, 25 को 5×5 लिखेंगे, तो दोनों में 5 है, दोनों में क्या है, और जो दोनों में होता है वो मैस होता है। अच्छा अब भी ये रुका नहीं है, ये कह रहा ए प्लस बी बताओ, क्या बताओ, कोई बात नहीं कर लो ए और ये बी, ये कौन है, अब तुम्हें पता है एलसीएम 80 आएगा है ना। तो 16 5 और 5 दिया 15, 16 का वर्ग 256 में 15 जोड़ दो, 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 7, तो 271/80 है ऑप्शन। बस तो ऐसा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, आ रहा कुछ समझ करो नोट। चलो 62 पे आ जाओ, ये तो आपको ही करना है 62। 63 दो संख्याओं का लेस है मैसे का 6×, है देखो चलो करा देते, पर दो संख्याओं का लेस है मैसे का कितने गुना है, तो मैसे को 1 मान लो, तो लेसे कितना हो जाएगा 6। चलो इससे आगे पढ़ो क्वेश्चन को, यदि उनमें से एक संख्या 45 हो तथा मैसे और लैसे का योग 315 हो, तो मैसे और लैसे का योग दे रखा कितना 315, तो आप भी योग कर लो। अब तुम कहोगे संख्या भी दे रखी है, क्या दे रखी है, संख्या भी दे रखी है। अब जैसे तुम 2-3 दोस्त रोड पे जा रहे हो ऐसे ही घूमते फिरते, और वहाँ समोसे वमोसे खा रहे हो, और वहाँ कोई और भी खड़ा है तो उसे भी खवाओगे, हाँ उसे थोड़ी खवाओगे, अरे जो अपने उसे तो खवाओगे। यहाँ ये कौन है, ये कौन है लैसे, ये कौन है, तो क्वेश्चन में लैसे मैसे से मतलब है इन्हें, संख्या से मतलब ना, जो वो घूम रही है कौन है कितनी है उससे कोई मतलब, ये जानते ही ना उसे, ये नहीं जानते उसे। तो यहाँ लैसे मैसे है, तो लैसे मैसे उठा के लाओ, लैसे मैसे का कुछ रिलेशन दे रखा हो तो उससे काम बन सकता है, संख्या से कोई काम नहीं बनने का भी। तो दे रखा है योग, क्या दे रखा है, तो आप भी योग कर लो, तो 6 और 1 का योग, और उसने कितना दिया है 300, और बराबर रखने के बाद क्या करते हैं 1 निकालते हैं, कैसे जो इधर होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो आप डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 ही काम, और 7 × 4 कितने बचे, और 7×5, और 1 निकालने के बाद जो तुमसे पूछे, तो क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या, अभी तो समझाया था तुम समोसा दे दोगे किसी और को, नहीं देने के बिल्कुल भी, चाहे फेंकना पड़ जाए दूसरे को नहीं देने के। तो ये तो लैसे मैसे हैं, संख्या से क्या मतलब इनका, पर ये थोड़ी है पेड़ गिर जाए तो रात को घर ना जाएंगे, हाँ अब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सोचना क्या है, एक संख्या तो उसने दी है, दूसरी हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता है यहाँ से हम लैसे मैसे निकाल सकते हैं, तो लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फिर ये करना पड़ेगा क्यों भाई, चलो तो कर लो। तो मैसे तो 1 है तो निकल चुका, ये मैसे ही है, और लैसे कितना है, तो दोनों तरफ 6 से गुणा कर लो, तो 6 ही कम, और 6×5 30, तो 3 और 6 × 4 27, तो ये कौन आ गया लैसे। तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, लैसे गुणा मैसे बराबर, लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या उसने दी है गुणा दूसरी संख्या, यही है। चलो तो 270 चेक करो ऑप्शन में तुम, अब आ गया समझ, इससे आ गया जो 64। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है,
तथा उनका लैस 56 है तो मैं से कितना होगा। देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया और आपको लैस दे दिया तो मैं से पूछ रहा है। हाँ एक तो बात ऐसे होगी तुम्हें कोई आलू दे दे, टमाटर दे दे, हरी मिर्च दे दे, प्याज दे दे, लहसुन दे दे, अरे एक मसालेदानी दे दे नो सब्जी बना के खा लेना। हाँ अरे एक ऐसा है सब्जी बना के टिपन में पैक करके दे दे तो वो बढ़िया है या वो जो पहले आलू भी टमाटर भी। हाँ तो इन्हें पैक करके दे रखी है तुम्हें सब्जी, दोनों संख्या अलग अलग ना दे रखी, उनकी गुणा करके दे रखी है। उसे पता तुमसे गुणा थोड़ी दिक्कत है थोड़ी सी, तो उसने गुणा दे रखी है दोनों संख्याओं की गुणनफल, मतलब फर्स्ट गुणा सेकंड का फाइनल रिजल्ट टिपन में बंद करके दे रखा है तुम्हें। कितना? 1568। 1568 तो ये 1568 उसने आपको दिया है। तो ये फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर मैसे गुणा लैसे होता है, तो उसने आपको लैसे तो दिया है और मैसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैसे। ठीक है, कैसा बन रहा है आज? चलो अब 56 से आप इसको डिवाइड कर लो तो 28 आ जाएगा, चेक कर लेना। चेक है, बस इसको चेक कर लो, 8 × 48 सही है। चलो इससे आ गया जो 65वां क्वेश्चन 65। अब 65 में क्या है? दो क्रमागत सम संख्याओं का लैस 144 से संख्या ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ क्रमागत संख्या कितने प्रकार की होती हैं? चलो आज तुम्हें पूछे, जल्दी बताओ क्रमागत संख्या कितने प्रकार की होती हैं? हाँ दो प्रकार की, तीन की होती हैं क्यों भाई? कितने प्रकार की होते हैं? तीन की होती हैं। क्रमागत किन्हें कहते हैं? जिनका अंतर बराबर हो, जिनका अंतर क्या हो? देखो तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। हाँ तो ये कैसी क्रमागत हैं? प्राकृतिक, जिनमें सम और विषम आए और अंतर बराबर हो, उन्हें प्राकृतिक क्रमागत कहते हैं। अगर एक से स्टार्टिंग हो, जीरो से हो तो फिर पूर्ण संख्या कहते हैं उन्हें, एक से हो तो प्राकृतिक कहते हैं, है ना। इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, ये छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग जाओ जी, जीरो से पूर्ण और एक से प्राकृतिक, तो इन पर तो बहस वो करते हैं जिन्हें नौकरी ना लेनी है, वो सारा अपना दिमाग यहीं खर्च कर लेते हैं, समझ गए ना। हाँ यहीं घिस लेते हैं वो सारा इसको। चलो दूसरा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये कैसी क्रमागत हैं? विषम। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये कैसी क्रमागत हैं? सम। तो मुख्य तो तीन प्रकार की होती हैं पर वैसे अनंत प्रकार की होती है क्रमागत। हाँ अरे क्रमागत का मतलब है बराबर अंतर। अब बताओ क्या ये क्रमागत ना 3, 6, 9, 12 कोई मना कर रहा हो तो खड़ा हो जाओ कि ये क्रमागत नहीं है, बताओ कौन कर रहा है इसे मना। 4, 8, 12, 16, 20 केवल वो मना करेगा जिसको पढ़ा याद नहीं है कि ये क्रमागत नहीं है। 5, 25, 10, 15, 20 और है ना क्रमागत कहाँ पे? अब सही है, मुख्य तो वैसे यही होती हैं, मुख्य तो क्वेश्चन तो इन पे आता है, पर जितना ज्ञान मिल जाए थोड़ा ही होता है, बताया तुम्हें थोड़ा सा, है ना। तो कोई लिमिट नहीं है क्रमागत की, जड़ तक जाओ तो फिर तो तुम नौकरी तो मिलेगी ना, देखो अगर जड़ तक ज़्यादा जाओगे नौकरी ना ज्ञान मिलता है बस। हाँ आप देखो ये बताया ब्रह्मपाल ने, जड़ तक जाओगे तो फिर नौकरी नहीं मिलती है ज्ञान मिलता है, समझ गए ना। नौकरी लेनी है तो जो बता रहा है बस उसे समझो सब कुछ, चुप रहो और ना किसी की सुनो, उसकी मानते रहो। अगर वो कह रहा दिन को रात तो रात ही मानो, रात को दिन तो दिन ही मानो, तो नौकरी जल्दी लग जाएगी। ठीक है चलो, खैर क्वेश्चन क्या था? इसने ये कहा था दो क्रमागत सम संख्याओं का लैस 144 है तो संख्या ज्ञात करो। जब दो क्रमागत सम कह रहा है तो अंतर दो का होगा, तो पहला ऑप्शन कितना है, दूसरा 14, 16, तीसरा 18 और चौथा 22, यही तो हैं। तो पहला तो शर्त यह है कि अंतर जिस ऑप्शन में दो होगा वही आंसर होगा, हमने दिमाग लगाया तो सब में ही दो है, तो बात फेल हो गया, पहला दाव तो फेल, तो पहला फेल तो फिर कुछ और सोचेंगे ना। उसने कहा लैसे 144 है तो जिनका लैसे 144 वही आंसर है। अब लैसे निकालना आता है या नहीं? हाँ या तो जो बड़ी संख्या उसका पाड़ा पढ़ लो या फैक्टर कर लो, तो इनका लैसे 144 आएगा इनका, और किसी का लैसे 144 है ही नहीं। हाँ और किसी का नहीं है 144। ठीक है तो बस ये आंसर, जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए उससे अच्छी बात नहीं है कुछ भी, और ऑप्शन से वही कर सकता है जिसको थोड़ी सी नॉलेज होती है। हाँ जिसको बड़ा आता है ना वही शॉर्टकट ले सकता है, जिसको बड़ा रास्ता पता होता है ना,
वही शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट कौन लेगा, जिसको पता रहे वहाँ तो जाम में फंस जाएंगे, वहाँ तो 5 घंटे लगेंगे, शॉर्टकट ले लो चाहे थोड़ा बहुत टोल कट जाए, कुछ भी हो जाए। और जिसको पता ही नहीं है लॉन्ग कट का, क्या वहाँ क्या होता कैसे, चलता ही जा रहा चलता जा रहा, पता चले सारी रात वहीं काट दी, क्यों भाई। हाँ चलो खैर, ये ऑप्शन से समझ में आ गया तुम्हें, और ऑप्शन का नहीं होने का ऐसे 144। अब 66 पे आ जाओ, 66 तुम्हें करना है, 67 भी तुम्हें करना है, 68 जैसा मैंने तुम्हें करवा दिया, बोलो जल्दी से करवाया या नहीं करवाया, तो 69 पे आ जाओ, 69 में क्या है, दो संख्याओं का मैं से तो 23 है और लय से 1035 है, यदि उनमें एक संख्या 23 हो और दूसरी संख्या x हो तो x बटे 23 बूझ रहा है, हा? अरे लय से कितना है 23 और मैं से कितना है 1035, तो लय से गुणा मैं से बराबर बताओ क्या होता है, पहली संख्या कितनी है 207 और दूसरी संख्या कितनी है x, कितनी है, तो वो दूसरी संख्या नहीं बूझ रहा, एक्स बटे 23 बूझ रहा, तो दूसरी संख्या को निकाल के 23 से भाग कर दो आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 23 है, 1035 है, 207 है, हा? सपोज करो यहाँ यहाँ शादी है, तो यहाँ कौन कौन दिखाई देंगे तुम्हें, अबे रसगुल्ले तो हर शादी में दिखाई देते हैं, इंसान कौन कौन दिखाई देंगे जो आपस में यहाँ रिलेटिव होंगे, हा? मामा फूफी, समझ गए ना, यहाँ कौन कौन दिखाई देंगे तुम्हें, यहाँ शादी है, अरे रिलेटिव तो दिखाई देंगे, हाँ रिलेटिव दिखाई देंगे ना, ये टेंट वाले बाजे वाले वो भी एक तरह से रिलेटिव ही हो गए, चलो जब वो है तो अब कोई बात है ना, हाँ उनके बिना क्या है, उनके बिना कोई शादी शादी लगती है ना। तो देखो यहाँ 23 है, 1035 है, 207 है, जब ये सब यहाँ हैं तो इनमें रिलेशन जरूर होगा, कुछ ऐसी बात नहीं है बेवजह आ गए यहाँ, कोई बाहर का आएगा तो भगा देते हैं ऐसे, एक दो की ड्यूटी इसी काम पर रहती है, है ना, चेक देखना है, चेक कर, है ना। तो जब ये यहाँ है इनका रिलेशन जरूर होगा आपस में, तो 23 तो अभाज्य संख्या है और उधर 207 है, पर है तो एक ही लाइन में जरूर, तो रिलेशन जरूर है, मतलब ये डिवाइड जरूर हो रहे होंगे, हाँ क्योंकि हमने ऑप्शन पर भी निगाह मान ली, सब पूर्णतः हैं तो ये डिवाइड जरूर हो रहे होंगे, तो 23 से जरूर कट रहा होगा, ठीक है। लास्ट में कितना है, तो लास्ट में कितना है, तो 3 में किसकी गुणा करके 7 आ सकता है, चेक कर लो एक बार। अब देखो आगे बढ़ना तो रिक्स लेने पड़ते हैं, 9 3 27 हासिल 2, 9 2 18 2 20 कट गया, कितनी बार 9 बार, ठीक है। पर अभी तो ये और ईयर बच गए, अच्छा 9 तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता तो संख्या तो पहचान हो जाती है, तो 1 और 3 4 और 5 9 तो हो रहा है कैंसिल, होगा पक्का पक्का, तो कर लो, ठीक है। तो 9 ही कम बचा, कितना 1 हो गया 13, 9 ही कम 9 बचे 4, 9 पंजे, तो x का मान 115 आ गया, x का मान कितना आ गया, पर वो x का मान नहीं बूझ रहा, दिक्कत तो ये है, वो x बटे 23 बूझ रहा है, तो 23 से भाग और कर दो, हाँ 23 से क्या कर दो, भाग कर दो 23 से, जब 23 से भाग करवा रहा है तो कोई रिलेशन तो जरूर होगा, हाँ तो यहाँ क्या 5, तो 3 में किसकी गुणा करके 5 आ सकता है, तो चेक करो, तो 5 3 15 5 2 11 तो कितनी बार कट गया, 5 बार बस, तो है ऑप्शन। समय बताओ पहले, समय अरे इस पेज को खत्म कर लो, 70 पे आ जाओ, दो संख्याओं का मैं से और लय से इतना है, एक संख्या इतने, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लय से गुणा मैं से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 71, दो संख्याओं का मैं से 24 है, इनका लय से निम्न में से कौन सा हो सकता है, तो मैं से लय से को हमेशा डिवाइड करता है, तो जो ऑप्शन 24 से कटेगा वो इसका आंसर हो जाएगा 144, ठीक है। चलो 72 पे आ जाओ, दो संख्याओं का मैं से और लय से 19 और 342 है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब इसने वही बात कर दी, मैं भी जाऊंगा, मैं ना दे रहा बाइक, मम्मी जाएगी, पापा जाएगी, डायरेक्टली मैंने नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली मैंने कर रहा, तो इसने तुम्हें इनडायरेक्टली पहली संख्या दे रखी है, अब बताओ कितनी है, वो डायरेक्टली ना दे रखी, इनडायरेक्टली दे रखी पहली संख्या, इतने मैं क्वेश्चन को सजा रहा हूं, तुम करो। तो मैं से कितना 19, लय से कितना है 342 और पहली संख्या 19, अरे 2 से विभाजित करने पे 19 आ रहा तो संख्या 38 ना हुई, तुम्हारा क्या होगा, 2 से विभाजित करने पर 19 आ रहा भागफल, तो इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो ये आता है,
तो संख्या होती है ये जो यहाँ होती है, तो 38 ना है संख्या, इनडायरेक्टली उसने 38 कह रखा है, और डायरेक्टली उसने करा कि 2 से भाग करें तो 19 आएगा, है ना। क्यों भाई, अगर लाइफ में सफल मतलब खुश रहना, सफल की तो चलो अलग बात रहेगी, तो इनडायरेक्टली बात समझना शुरू कर दो कौन क्या कहना चाह रहा है, तो कोई टेंशन नहीं आती है। अब किसी ने कोई इशारा करा तुम समझे ही नहीं दिक्कत है फिर लाइफ में, है ना। कभी बहुत दिन बाद मिले तुम्हारा दोस्त और तुम उससे बोले नहीं, तेरी नौकरी लगी हमसे बोला नहीं, तेने हमें दावत नहीं दी, यूँ नहीं दिया वो नहीं दिया, तो मैंने कराता था उस दिन इशारा, तो समझा ही नहीं, तू आया ही नहीं, क्या भाई। इनडायरेक्टली बातें अगर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। अब देखो रिलेशन तो जरूर है, जब यहाँ शादी में आया तो बिना रिलेटिव आएगा तो पिटेगा। दो ही कम दो, दो सत्ते 14, दो ही कम दो है 171, चलो 73। दो संख्याओं का मैं से चार और लैस के अन्य दो गुणनफल। देखो ये बात यहाँ यहाँ हो रही है, ये सिर्फ जो मैं अभी बोल गया थोड़ी देर पहले, इनडायरेक्टली बात अगर तुम समझ गए तो लाइफ भी बढ़िया रहेगी और सफल भी जल्दी हो जाओगे। दो संख्याओं का मैं से तो चार है, मैं से कितना है, और यूं कह रहा है कि लैसे के अन्य दो गुणनफल, लैसे के अन्य दो गुणनफल कितने हैं, पांच और। अब देखो जो बच्चा इस बात को समझ गया इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, यूं कह रहा है लैसे के अन्य दो गुणनफल पांच और सात है, इसका मतलब एक और है, जब तो अन्य दो कह रहा है कि नुकारा अन्य दो तो ये रहे, इसका मतलब यहाँ भी कोई है, अभी कुर्सी खाली पड़ी होगी आके बैठ गया होगा कोई शादी वादी में, तो पता ही है हाँ ऐसे होता ना, तो ये कह रहा है अन्य दो तो ये रहे, अन्य दो तो यार एक कुर्सी पड़ी थी मानो, अन्य दो तो हैं, तो इसका मतलब कोई और भी है अभी है। तो इसमें दो चीज़ इनडायरेक्टली है, एक तो लैसे का भी है, एक और है जरूर, या तुम्हें फील नहीं हो रहा सेंटेंस पढ़ के कि लैसे के अन्य दो गुणनफल ये हैं, इसका मतलब कोई और जरूर है, जब अन्य कह रहा है ना, और दो कह दिया तो जब अन्य कहता तो पहले को कहता, तो अन्य दो तो इसका मतलब एक और है, अन्य तीन कहता तो दो और होते, समझ गए ना, तो यहाँ कोई और जरूर है। तो ये लॉजिक समझ में आया तुम्हें, फिर एक लॉजिक और है, मैं से क्या होता है, मैं से जो सब में होता है, जो सब में होता है मैं से होता है, तो मैं से उसने चार दे दिया, मैं से क्या दे दिया, अब तुम्हें यहाँ चार कहीं दिख रहा है, तो यहाँ चार है, यहाँ कौन है, और अगर यहाँ तुमने चार ना रखा तो मैं से चार नहीं है, पर उससे गलती होगी, और वो कह रहा है कि इन संख्याओं का मैं से चार है और लैसे कन्या दो गुणनफल ये है, तो इसका मतलब यहाँ चार जरूर होगा, क्यों, क्योंकि मैं से लैसे को हमेशा डिवाइड करता है, और तुम ना मान रहे इस बात को तो चार से डिवाइड करके दिखा दो 35 को, अब तुम होने का ना, चार से मैं से लैसे डिवाइड होने का ही नहीं है, ठीक है, कब होगा, जब तुम यहाँ चार लिखोगे, जब क्या लिखोगे यहाँ चार, अब होगा डिवाइड, चाहे गुणा करके देख लो, चार पंजे 20 और 20 सत्ते, अब 140 को कर लो तुम इससे डिवाइड, क्योंकि बाद में 40 अंतिम दो अंकों से बनी संख्या का चार से डिवाइड होती है, तो संख्या चार से डिवाइड होती है कुछ याद हाँ, फिर सही है। तो यहाँ तुम्हें समझ आ गया चार क्यों आया, अरे एक ही क्यों आया, कि उसने कहा अन्य दो, इसका मतलब एक ही है कोई गायब, अब गायब कौन है उसका पता मैसेज से लग गया, कि कह रहा मैसेज चार है, और यहाँ हमने देखा इससे पूछा तू चार है, मैंने कर रहा पाँच, उन्होंने कहा पाँच हूँ, क्यों कह रहा सात हूँ इसका मतलब ना यहाँ चार ना यहाँ चार, अच्छा यहाँ 20 होता क्या होता, तो कह देता हाँ है चार है अंदर है मैं बाहर हूँ, है ना, यहाँ होता कुछ 60 वाट 15 चौका नो हाँ हैगा कोई दिक्कत ना है अंदर तुम जाओ अंदर हैगा, पर ये तो पाँच ही है, इन्हें तो साफ कहते मैं पाँच हूँ, तो चार नहीं है यहाँ, इसका मतलब ये कह रहा मैं तो सात हूँ बस सात, या ना कोई भी अंदर चेक कर लो, है ना, इसका मतलब वो जगह जो सीट है ना वो किसकी है, चार की है बस, तो ये मैसे और ये लैस आ गया, बूझ क्या रहा है ये देखो जल्दी से, तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या आपसे ये पूछ रहा है, कोई सी संख्या दी है इसने, बस इनका क्या दिया आपको, मैसे दिया है, और ये कह रहा है लैसे के अन्य दो गुणनफल जो हैं वो पाँच और सात हैं, तो इनमें छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, अच्छा एक बार बताओ लैसे गुणा मैसे बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मैसे गुणा, अरे दिख रहा भाई, तो मैसे कितना चार, मैसे कितना है और लैसे ये है चार गुणा पाँच गुणा सात, पर वो तो छोटी संख्या बूझ रहा है हा? अब देखो अगर तुमने ये कह दिया एक रूम तो ये रहा और एक रूम ये रहा है, और तुमने कह दिया चार से तो यहाँ आ जा, यहाँ यहाँ आ जा है, वो कहेगा मैं नहीं आने का यहाँ, नु क्यों, क्योंकि मैं मैसे हूँ मुझे दोनों जगह रहना पड़ेगा है, हाँ बिचौलिया मामा जो भी
उसे दोनों तरफ की पूर्ति करनी पड़ती है कि मैं नहीं आ सकता यहाँ, क्यों मैं हूँ मैसर, और मैसर को सब जगह रहना पड़ता, सब जगह रहना पड़ता है, देख लो इसलिए तो मैं वहाँ भी, यहाँ भी मैं नहीं आने का, यहाँ बोला या तो इसे ले जा या इसे ले जा, ठीक है ना। अभी अकेला आना, इसे भी तो चाहिए कोई, अकेले बेचार बोर हो रहा, चढ़त हुई नहीं अभी, खाना चला नहीं, दिक्कत हो जाएगी ना, उसे भी तो कोई चाहिए। इससे कि इसने साफ मने कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ आ गया तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, मैं से सब जगह होता ना, तो दो पार्ट हैं ये, इसने कहा इसे ले जा तू, इसने कहा चल ठीक है इसे ही भेज, तो चार गुणा पाँच, और यहाँ कौन बचा, चार गुणा सात, चार गुणा तो चार पंजे और सात चौक अट्ठाईस, और इधर कौन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब बहुत सारे लोग ऐसे हों जैसे किराए पर दुकान ले रखी है, हैं, अब कोई यार रिश्तेदार आया, और दुकान तो बढ़िया ना, हाँ पिछले साल ही तो खरीद के बनाई, पिछले साल ही खरीदी और बना दी है, हमारी तो है ये, कर देते खूब करते हैं, अधिकतर 5% होते हैं जो सत्य बोलते हैं, मतलब ऐसे बहुत फेंकते हैं। तो ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड, कोई आया होगा, और यहाँ इसकी अगली लाइन में क्या लिखेंगे, हम अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, 20 गुणा 28 है, वो कहेगा तू कौन, नो मैं 20, नो तू कौन, नो मैं 28, हाँ। अब वो बोला छोटा कौन, तो छोटा तो 20 है, छोटा कौन है, अब तुम ये कहोगे जी तुमने यहाँ 5 भेजा, अगर हम 7 भेज दें तो भेज दो कोई दिक्कत ना, अरे 7 को यहाँ भेजो, 7 चौक तो यहाँ कौन बचा, 5, तो 5 चौक कर लो कुछ भी आंसर, वही आना छोटी संख्या बोला 20 ही आना, आगे समझ, छोटी संख्या 20, नोट करो।